नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज की यह यात्रा पूरी तरह से आध्यात्मिक है और वो इसलिए है कि हमारे काफी पाठक दर्शक पूछ रहे थे बागेश्वर बालाजी सरकार के जो भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जो सामने बैठे व्यक्ति का मस्तिष्क पढ़ लेते हैं, क्या ऐसा संभव है? और आज हर तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की ही चर्चा है। मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को, वो दिया था कि क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ईसाई रिलीजन में जो लोग चले गए थे उन्हें पुनः सनातन धर्म में लेकर आए हैं, और उन्होंने ये नारा भी दिया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। लेकिन उनकी जो शक्ति है उसके बारे में काफी लोग पूछते हैं, काफी लोगों को संदेह हो रहा है। इस संदेह का समाधान तो आप उनके दरबार में जाकर ही कर सकते हैं, वो आपके मन की बात पढ़ लेंगे। लेकिन जो भारतीय अध्यात्म विद्या से परिचित हैं वो समझ सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत की आध्यात्मिकता के तहत ही आध्यात्मिक मन होने के कारण ही वो सामने वालों को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और उसका उपचार भी बता देते हैं। इसलिए आज सुबह 5.5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन सिर्फ उनका दर्शन करने के लिए लगा हुआ है। मैं आज थोड़ी उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा और इसी युग में नीम करौली बाबा के जो बड़े चमत्कार हैं, जो अपने आंख से विदेशी देख कर गए हैं। विदेशी पर यह शब्द मेरा जोर इसलिए है क्योंकि भारत के लोग विदेशी सर्टिफिकेशन के धीरे धीरे आदी हो चुके हैं। तो उन कथाओं के बारे में, उस चमत्कार के बारे में बताऊंगा और फिर आपको ज्ञानगंज भी ले चलूंगा और बताऊंगा कि भारत की भूमि चमत्कार ही है, चमत्कारों से ही भरी है, सनातन धर्म स्वयं में ही चमत्कार है और साक्षात देवता यहाँ निवास करते हैं, वही अपने भक्तों को चुनते हैं। जब पूरा समाज धर्म से आस्था जिसकी तब डिगने लगती है, तब वो अपने किसी एक भक्त को चुनते हैं और बताते हैं कि एक मामूली बात से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे देश में, तुम्हारी धरती पर कितनी बड़ी शक्तियां आज भी विराजमान हैं। तो मैं आपको आज पूरे अध्यात्म की यात्रा में ले जाऊंगा और नीम करौली बाबा के वो चमत्कार की कहानियां सुनाऊंगा जिनको सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी, और फिर जो आपके मन में संदेह है कई लोगों के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, वो दूर हो जाएगा। ये भारत की आध्यात्मिक विद्या है। संदेह है तो मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, संदेह से ही आपके जिज्ञासु मन का पता चलता है, आपकी यात्रा का आरंभ संदेह से ही होता है। संदेह बुरी बात नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन के जरिए ये जो आपका सत्संग है राजनीति से लेकर अध्यात्म और धर्म तक, उसको बचाने का प्रयास कीजिए। और थैंक यू सिंकू जी, थैंक यू सो मच। और आप लोग इसी तरह कंटेंट का छोटा सा मूल्य जो है अपने अपने श्रद्धा से चुकाते रहिए, ताकि आपका ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्र रहे हमेशा से और हर तरह के विमर्श में वो आपको साथ लेकर और आपके बल पर कूद सके। तो इस प्रोमो के बाद मैं आपको ले चलूंगा थोड़ा सा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने के जो अलग अलग वीडियोज में आए हैं, थोड़ा सा उनकी कथा बताऊंगा और फिर नीम करौली बाबा के की कुछ चमत्कारी घटनाएं कुछ सुनाऊंगा, वो तो बहुत है। फिर उसके बाद ज्ञानगंज की थोड़ी यात्रा पर ले जाऊंगा और हिमालय के कुछ रहस्य समझाने का प्रयास करूंगा। बाय।
बागेश्वर बालाजी सरकार अभी बहुत चर्चा में है। बागेश्वर बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं है, वो कई बार कह चुके हैं। बालेश्वर बालाजी सरकार हनुमान जी हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के सेवक हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का परिवार बहुत गरीबी में था। इनके पिताजी कुछ नहीं करते थे, बहुत गरीब थे, और इनके चेहरे पर जो आप तेज देखते हैं, जो मासूमियत देखते हैं, वो मासूमियत उस संघर्ष से ही उपजा है। कई कई दिन बिना खाने के इनका परिवार रह जाता था, भूखे रह जाता। आध्यात्म को समझिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो दादाजी थे, वो जो बालाजी सरकार के सेवक, तब उनके दादाजी थे। वहां इसी तरह पर्चियां लगा करती थी, दुखियारे मन अपनी पर्चियां लगाते थे, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी उनका समाधान इसी तरह बालाजी से पूछ कर करते थे। छोटा सा यह बच्चा बहुत दुखी था। घर में खाने को नहीं थे, पिता काम नहीं करते थे, दादा उस छोटे से मंदिर के महंत थे। परंतु जो धार्मिक मन होता है, वो कभी भी अपने परिवार आदि को, कि आपको बिना चेष्टा के कुछ मिल जाए, वो कभी नहीं सोचता। वो राजनीतिक मन सोचता है, वो सामाजिक मन सोचता है। जब तक आप ना कहें, तो एक दिन ये छोटा बच्चा भी अपने दादाजी के मंदिर में गया और अपनी पर्ची लगाई, और पर्ची लगाई कि हम क्यों इतना गरीब हैं, इतनी पीड़ा है, खाने को अनाज नहीं है। और दादा की आंखों में आंसू आ गए, और दादा ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। वो जो मंदिर का प्रांगण है बालेश्वर बालाजी का, उसमें कई सिद्ध संतों की समाधियां भी है। संत में, संन्यास आश्रम में, खासकर नाथ पंथ में भी आप देखेंगे तो जो शरीर त्यागते हैं उसके बाद उनकी समाधियां, उनको शरीर को समाधि में, तो उनके दादाजी की समाधि भी वही है। और दादाजी बालेश्वर बालाजी से पूछकर जवाब देते थे। उन्होंने अपना ये शिष्य बनाया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, और अपना ये ज्ञान, अपनी ये विद्या उनको दी। कलयुग में हनुमान जी सहाय है, ये कहा गया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए। तुलसीदास जी एक बार जा रहे थे, तुलसीदास जी की कभी कथा सुनाऊंगा, और हनुमान जी थे, उन्होंने कहा था कि प्रभु इसी रास्ते से गुजरेंगे, पहचान लेना। और दो राजकुमारों को देखकर भी तुलसीदास नहीं पहचान पाए। फिर चित्रकूट में जब दो बालक आए, तो तोता का वेश धरकर हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट की घाट पर पड़ी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और तब तुलसीदास जी ने भगवान राम को पहचान लिया। आत्मा शुद्ध होना चाहिए आपकी, आपकी पात्रता कैसी है। परमात्मा हर पात्र में तो उतर नहीं सकता। यदि आपकी पात्रता नहीं है, तो आप उसे धारण नहीं कर सकते। आपके पात्र अगर छोटे हैं, तो उसमें समुद्र कैसे संभालोगे। यदि आपके पात्र बड़े हैं, तो उसमें उसी अनुरूप समुद्र का पानी भी समा जाएगा। पात्रता अध्यात्म के लिए बड़ी आवश्यक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी को वो पात्रता अपने पोते में दिखी, अपने पुत्र में नहीं दिखी, और इसीलिए वो बालाजी सरकार की कृपा से आपके मन को पढ़ रहे हैं। और ये जो सूक्ष्म विद्या है, ये हमारे सनातन धर्म में है। रोज वहां के सूक्ष्म रूप में हनुमान जी बालाजी रूप में हैं, वो बिल्कुल संकेत। आज एक्सरे मशीन आपके शरीर के अंदर देखता है, कभी जब देखता था तो लोग उस समय भी कि कैसे देख लेगा, आज आपकी हर बीमारी को वो देख ले रहा है। एक मशीन देख लेगा, एक आध्यात्मिक मन नहीं देखेगा। ये कितना अंधकारमय सोच है लोगों की।
और इस अंधकारमय सोच को ध्वस्त करने के लिए ही मैं आपको ठीक बालाजी सरकार के सेवक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरह नीम करोली बाबा, जो स्वयं हनुमान जी के वो भी भक्त थे, हनुमान जी साक्षात हैं, साक्षात हैं, बस आप उन्हें याद कर लीजिए। और इसीलिए कहा पवन, जो संकट मोचन उनको कहा गया, पवन पुत्र हनुमान जी संकट मोचन है। जब राम जी इस पृथ्वी से विदा ले रहे थे तो उन्होंने कहा था हनुमान जी को कि तुम यहीं रहो। और महाभारत में भी भीम को हनुमान जी दर्शन देते हैं, और आधुनिक रूप में तुलसी हो, नीम करोली बाबा हो, अथवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, पात्रता जिसकी भी होगी परमात्मा वहां उतरेगा उतरेगा। परमात्मा तो अपने भक्त के वशीभूत है। तो ऐसे ही थे हमारे नीम करोली बाबा। और मैं आप सब पाठकों से कहूंगा कि मार्कंडेय ऋषि, जो अष्ट चिरंजीवी में एक मार्कंडेय ऋषि भी हैं हमारे, जिनकी दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं, मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में है, तप तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, स्वाध्याय जब आप करेंगे आपका मन उस रूप बनने लगेगा। यदि आप 24 घंटे टेलीविजन में लगे रहेंगे, 24 घंटे राजनीति की चकल्लस में रहेंगे, तो आपका मन कैसे बनेगा? जैसा जैसी भूमि बनेगी वैसे ही तो फसल होगी। हम अगर बिहार की भूमि पर चाहें नागपुर के संतरे उगा देना, ये तो नहीं संभव है। वहां की भूमि पर तो गेहूं चावल ही उपजेगा। तो जैसी आपकी भूमि होगी, जैसी उसी तरह के फसल लहलहाएंगे। आपके दिमाग में अगर 24 घंटे राजनीति है तो आध्यात्म कहां से प्रवेश करेगा? इसलिए आध्यात्म प्रवेश कर सके इसके लिए सबसे सरल माध्यम हमारे शास्त्र हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय ही आपका वो मार्ग है, क्योंकि अभी कोई गुरु मिल जाए, कोई परमात्मा मिल जाए, उसके लिए और समय मत भटकाइए। अगर स्वाध्याय किया, हो सकता है परमात्मा आपके पास स्वयं ही आ जाए, क्योंकि परमात्मा को भी उतनी ही चाह है आपकी जितना एक भक्त को परमात्मा की चाह होती है। तो नीम करोली बाबा पर मैं आपको, मैंने स्वाध्याय से ही आपको बताया हूँ। ये पुस्तक आपको बच्चन सिंह जी की, बड़े ऑथर हुए हैं, उनकी पुस्तक है। मैं खुद धाम में दर्शन कराया हूँ, और दो तीन पुस्तकें हैं आपको मैंने कपोत पर उपलब्ध कराया है। मैं आपको कुछ पुस्तकें, और फिर मेरे पास हिमालय की जो जितने गुप्त रहस्य हैं उस पे भी काफी पुस्तकें आपको है। मैं चूंकि स्वाध्याय करता हूँ, उसी स्वाध्याय से आपको बताऊंगा कि हमारे तिब्बत की गुप्त मठों के कैसे रहस्य हैं, कैसे अलौकिक शक्तियां हैं, कहाँ कहाँ रहस्यमय घाटी जो है तिब्बत में किस तरह की है। तो स्वाध्याय ही वो एकमात्र उपाय है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। और जब मन थोड़ी उर्वरा हो जाएगी तो फिर आध्यात्म के चिंतन सत्संग में वो आपको खींचने लगेगा। तो बाबा की कुछ कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। जिन लोगों को संदेह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ, क्योंकि आपकी पात्रता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं हवाई जहाज उड़ा सकूं, तो क्या कोई पायलट हवाई जहाज नहीं उड़ाता? मेरी पात्रता नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकूं, तो क्या कोई सबसे बड़ा मैथमेटिशियन भारत में नहीं हुआ? अपनी पात्रता के अनुसार ही हम सोच पाते हैं। हम जो सोचते हैं वही हम हैं, हम जो हैं वही सोच पाते हैं, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। तो बाबा नीम करोली और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी कई लोग कहते हैं वो कम शिक्षित हैं। शिक्षा का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, उसका इस भौतिक जगत सर्टिफिकेशन से लेना देना है। बाबा नीम करोली भी अध्यात्म की ओर छोटी उम्र से प्रवृत्त हो गए थे। उन्होंने स्कूल की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। जब भी उन्हें स्कूल भेजा जाता वो जंगल में जाकर तपस्या करते, और उन्होंने कहा कि ईश्वर के यहां से तो मैं शिक्षित होकर आया हूं, ईश्वर से बड़ा शिक्षक कौन है? तो घर त्याग दिया उन्होंने, धोती पहनते थे, मिट्टी का एक टूटा हुआ पात्र रखते थे, उसी में खाना खाते, उसी में पानी पीते, और बाद में वही पात्र अपने सिर पर टोपी की तरह रख लेते थे। बड़ा ही मस्त मौला थे। उन्हें लोग पहले हाड़ी बाबा कहते थे क्योंकि हंडी सर पे रखते थे। और उन्होंने अलीगढ़ और मैनपुरी प्रवास के दौरान तालाब में रहकर कठिन साधना की, तो वहां उनको तिकोनिया बाबा के रूप में नाम प्रसिद्धि मिली। और 1930 के आसपास
हिमालय की तलहटी में बसे गांवों में घूमते घूमते वो पहुंच गए। जो कैंची धाम है आज उत्तराखंड में, मैं गया हूं वहां, उसके निर्माण की एक बड़ी विचित्र कथा है। इस धाम का निर्माण ऐसी जगह हुआ जहां घना जंगल था, जंगली जानवर रहा करते थे, दूर दूर तक कहीं कोई आवास नहीं था, लोग नहीं थे। इस स्थान के एक भाग में मृत बच्चों को, मृत लोगों को जलाया जाता था, बच्चों को दफनाया जाता था, श्मशान का वास था वहां। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि वह स्थान भूत प्रेत का हो चुका है। 1942 की बात है, आजादी से पहले कैंची ग्राम के रहने वाले श्री पूर्णानंद तिवारी नैनीताल कचहरी से पैदल ही गांव लौट रहे थे। गाड़ी नहीं मिली थी, नैनीताल कचहरी से वो पैदल अपने गांव लौट रहे थे। अंधेरा होने को आ गया था, उस भूत जंगल को कैसे पार करे, उन्हें डर सताने लगा था। उन्होंने एक आकृति देखी, पैरापेट पर कंबल लपेटे स्थूल का शरीर, एक बड़ी आकृति उन्होंने देखी। उन्होंने सोचा कि कोई भूत ही है, अब तो सामना हो ही गया है, तो अब जीवन रहे या जाए क्या पता। वो सोच ही रहे थे कि उस स्थूल का व्यक्ति ने नाम लेकर पुकारा, अरे पूर्णानंद इधर आओ। वो चौंके कि मेरा नाम यहां कौन जानता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके परिवार के नाम तो बता ही देते हैं, आपका नाम बता ही देते हैं। तो इस स्थूल का व्यक्ति ने पूछा कि इधर आओ, उन्होंने कहा कौन होगा ये। वो गए, उन्होंने कहा पैदल आ रहा है, डर मत, आगे तुझे ट्रक मिल जाएगा एक। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, जंगल है, आगे मुझे ट्रक मिल जाएगा, देखो ट्रक तो आसपास दिख नहीं रहा कुछ। पर तिवारी को लग गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई सिद्ध महापुरुष है, और देवभूमि हिमालय है तो वहां तो भटकते ही हैं, रहते ही हैं, उनका निवास स्थान ही है। उन्होंने कहा महाराज आप अपना परिचय तो दीजिए, आप फिर अब कब दर्शन देंगे महाराज। उन्होंने कहा आज से ठीक 20 साल बाद दर्शन दूंगा। और वो वहां से विलुप्त हो गए। आगे पूर्णानंद जी गए तो उन्हें आगे ट्रक मिल गया, ट्रक ने रोका और उनको बैठा लिया। और जिस दिन कहा था उससे ठीक 20 साल बाद उसी दिन वो बाबा उनके समक्ष प्रकट हुए। अब उस बाबा ने कहा कि मुझे यहां पर मंदिर बनाने की इच्छा है। ठीक 20 साल बाद स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ये हो नहीं सकता, ये जंगल है, यहां मंदिर नहीं बन सकते। बाबा ने अपने जो तत्कालीन भक्त थे, कंजर्वेटर और चीफ कोई अधिकारी आदि आदि भी थे, उन सब से कहा। उन लोगों ने भूमि लीज पर दे दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत सोमबारी बाबा रहते थे, वह धुनी रमाए रहते थे। उनके पास के बने हवन कुंड में हवन भी होता था, बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे और जो है हवन महाराज के साथ सिद्धि माँ और जीवंत माए भी थी वहां पर। माया तो सड़क पर बैठी रही, पर महाराज जी नदी के पार चले गए और 4-5 घंटे तक नहीं लौटे। जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा मुझे आवाज सुनाई दी है, मंदिर तो यहां बनेगा। बाबा ने जब तक मंदिर नहीं बना वहीं सड़क पर बैठना शुरू किया उनके दर्शन के लिए कि चमत्कारी बाबा आए हैं। भक्तों का आने का सिलसिला आरंभ हो गया। उस पूरे क्षेत्र के तरंग में बदलाव आने लगे, वो पूरा क्षेत्र आध्यात्म से अप्लावित होने लगा। वहां पर सिर्फ एक टप्पर, छोटा टीन का टप्पर जो है वो पड़ा हुआ था। बाबा ने उस छप्पर की ओर संकेत करते हुए कहा देखना यहाँ कभी एक विशाल मंदिर होगा और सारे दुनिया के लोग यहीं आएंगे। और बाबा हंसने लगे। लोगों ने कहा बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, यहाँ कौन आएगा। और आज वो जगह नीम करोली बाबा के रूप में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया के लोग वहां आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद
1962-63 की बात है, 42 से 1942 से ही उन्होंने अपनी मानस शक्तियों को प्रकट करना शुरू कर दिया था। 62-63 में बाबा के लिए राम कुटी बन गई और इसके बाद उस चबूतरे के ऊपर कुछ भाग हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, जिसके समीप ही लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन बने और बाद वहीं पर वैष्णवी देवी की स्थापना हुई, कुछ कुटिया बने कृष्ण बलराम। इस मंदिर के कहते हैं, इस मंदिर के बनने से पहले वहां भूस्खलन बड़े होते थे। इस मंदिर के बनने के बाद निकट के पर्वत का स्खलन रुक गया। कैंची में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और फिर जब प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बाबा ने कहा कि चल हनुमान जी की दर्शन कर लें। हनुमान जी को दूध पिलाए, बाल्टी भर दूध लिया। उसके बाद उस कमरे के बाहर भीड़ जमा होने लगी, बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। केवल 3-4 जो उनके भक्त थे वो पीछे रह गए बाबा के साथ उस मंदिर में। जब हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने कहा कि हनुमान जी को चल दूध पिला दी। बाबा जब पहुंचे मंदिर में, उन्होंने अपने जो 3-4 भक्त थे उन्होंने कहा कि तुम सब दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, इधर मत देखना, इधर देखना भी मत। वो सारे जो भक्त थे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आंखें बंद रख लेना, आंखें भी मत खोलना। आंखें बंद करके वो सब दीवार से सट कर खड़े हो गए, दीवार की तरफ मुंह करके। एकाएक उन सबको महसूस हुआ कि कोई बड़ी शक्ति उस पूरे औरा क्षेत्र में जागृत हो रही है। धीरे धीरे शक्ति, उस कमरे के शक्ति में परिवर्तन होना शुरू हो गया। बंद आंखों में ही उन्हें उस रूम में, उस कमरे में तेज प्रकाश पुंज का आभास हुआ। कमरे अगर आंख बंद करें तो भी, अगर लाइट बंद है, लाइट खुला है, लाइट बंद है, तो आपको अनुभूति हो जाएगी। तेज प्रकाश की अनुभूति उन लोगों को हुई और गटक गटक के दूध पीने की आवाज सुनाई दी। जब दूध पीने की आवाज समाप्त हो गई, बाबा ने कहा अब तू सब आंख खोल ले। उन्होंने आंख खोली, देखा पूरा बाल्टी खाली पड़ा है, थोड़ा दूध जमीन पर गिरा है और कुछ बूंदे हनुमान जी के मुंह से टपक रही। बाबा ने जमीन पर पड़े दूध को उठाकर सबको उसमें प्रसाद बनवाकर वितरित करने के लिए कहा। बाबा ने जब अपना शरीर त्यागा तो कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। जो कार से जा रहे थे, ड्राइवर था, उसने उसके अपने अनुभव बताए हैं। ऐसा लगा कि पैर बड़ा हो रहा है बाबा का। और फिर बाबा जो है, बड़ी लंबी कथा है, और उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार 11 सितंबर 1973 को अनंत चौदश के दिन 1:15 पे अपने शरीर को त्यागा। और जो कहा था कि मैं जा रहा हूं ऐसे दूर, ऐसे जगह उन्होंने शरीर त्यागा ताकि कोई जान पहचान वाला वहां आसपास ना रहे। और अपनी पूर्व योजना के अनुसार रामकृष्ण मिशन के अस्पताल में उन्होंने शरीर त्यागा। उन्होंने अपने कंबल छोड़ दिए, उनके साथ जो कमंडल था वो छोड़ दिए। जो कोई कहता कि बाबा कंबल, बोले अब क्या है, माया तो कुछ नहीं, ये सब तो छोड़ना ही है। वो एक एक कदम छोड़ते छोड़ते जा रहे थे, लेकिन शरीर त्यागने के बावजूद बाबा शरीर में काफी सारे लोगों को दिखे। 62 के बाद से भी काफी सारे लोगों को, उन सब के अलग अलग अनुभव हैं। जो बाबा को देख चुके थे उनके पोते बच्चों ने भी बाबा को देखा। बाबा शरीर में अपने भक्तों के परिवार का कल्याण हमेशा करते रहे। हनुमान जी के भक्त थे, बड़े बड़े विदेशी उनके बारे में सुनकर आए। उसमें से एक कथा बड़ा फेमस है, ये कथा है डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट का। ये आपको मार्क जुगरबर्ग भी वहां गया था, आज उसका फेसबुक
हम लोग अपने विचारों को उस पर फैलाते हैं। जब मार्क जुकरबर्ग गया था, वो लुट चुका था, एक फटा जींस था उसके पास, बाबा शरीर में नहीं थे तब, फटा जींस था वहां रहा था। मार्क जुकरबर्ग को स्टीव जॉब्स ने भेजा था। स्टीव जॉब्स भी जब एप्पल बना रहा था, खाली हो गया था दिमाग, उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को ने उसको खींचा और नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से वो आज दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना सका। जब मार्क जुकरबर्ग की ये हालत थी, उसको लग रहा था फेसबुक बेचना पड़ जाएगा, मार्क जुकरबर्ग को स्टीव जॉब्स ने कहा कि एक भारत का एक स्थान बताता हूं, वहां जाओगे और आओगे, तुम्हारे दिन बदल चुके होंगे। मार्क जुकरबर्ग के बारे में आश्रम के लोग बताते हैं कि हम लोग नहीं जानते थे कौन है विदेशी, तो यहाँ आते ही रहते हैं। फटा जींस पहना एक व्यक्ति आया था, यहाँ बाबा से आशीर्वाद लिया, हनुमान जी से आशीर्वाद लिया, नीम करोड़ी के हनुमान जी से, और आज मार्क जुकरबर्ग क्या है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ नाम इसलिए बताया विदेशी, क्योंकि इसके बिना भारतीयों का सूखा मन पुष्पित पल्लवित नहीं होता। उनके मन से आध्यात्मिकता इतना दूर जा चुकी है कि उनको जब विदेशी सर्टिफिकेशन से ही तृप्ति का अनुभव होता है, परंतु जो वास्तव में आध्यात्मिकता में गोता लगा चुके हैं, उन्हें किसी विदेशी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, बस वो अपनी आध्यात्मिकता को समझ लेते हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। एक कथा आती है डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट का। रिचर्ड अमेरिका से 67 में आया था, अपने दोस्त के साथ आया था। वो बाबाओं को ढोंगी कहता था और गाड़ी से आया था। अपने दोस्त के साथ साथ गया, पीछे अनमने मन से खड़ा रहा। बाबा ने कनखियों से देखा तो वो सिहर गया। और बाबा की ज्यादातर जो जीवनी और कथा है, ये उनके विदेशी भक्तों ने ही लिखी है, तो ये जो है वो पूरा सिहर गया रिचर्ड। बाबा ने उससे पूछा कि ये तू गाड़ी से आया है? ये 67 की घटना है, बाबा ने 73 में शरीर त्यागे थे। तू गाड़ी से आया है? उसने कहा कि वो तो गाड़ी में पीछे छोड़ के आया था। तो बोला, जी जी गाड़ी से आया हूं। वो गाड़ी मुझे देगा क्या? बाबा मजाक करते थे। तो रिचर्ड का जो दोस्त, जो बाबा का भक्त था, उसने कहा, सब तो आप ही का है महाराज। रिचर्ड बोल पड़ा, नहीं, कैसे दे सकता हूं, ये तो मैं मेरे दो किराए पर गाड़ी लाया हूं, मैं कैसे दे सकता हूं आपको? अच्छा, कितना कमाता है अमेरिका में? बोला, बहुत पैसे कमाए हैं। तो बता तो कितना कमाया है? तो बोला, $25,000 हमने कमाए हैं। तो बोला, तू अपने इतने पैसे से मेरे लिए कार भी नहीं दे सकता? वो बेचारा चुप रहा, उसे तो बाबा में भरोसा नहीं था, साधु संतों। वो लोग होटल में ठहरे थे, बोले इसे आशीर्वाद दे दे, प्रसाद दे दे, फिर वो चला गया, होटल में ठहरे थे। सुबह आया महाराज जी का दर्शन करने। महाराज जी ने कहा, रात तूने आसमान के नीचे तारों के बीच गुजारी थी क्या? उसने कहा, गुजारी तो थी, बाबा को कैसे पता चल गया? वो तो होटल में रह रहा था, और वो होटल से बाहर निकला था, पेशाब लगा था देखने, और रात में तारे उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, तो थोड़ा देर रुक गया। बाबा ने कहा, उन तारों में तो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। अधीरन शास्त्री ऐसे ही तो आपसे बताते हैं। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सही बात है, तारों के बीच तो उसे अपनी माँ की याद आ गई थी, ये कैसे बाबा को पता चल गया? तो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था ना, तेरी माँ पेट की बीमारी से मरी थी, तेरी माँ के पेट फूल गए थे, अब उसकी आंखें फटी रह गई। उसने कहा, जी ये तो हुआ था, जो अभी तक भरोसा नहीं कर पा रहा था। बाबा ने कहा, आंखें बंद की, और बाबा अंग्रेजी में बोल गए, वो सब भाषा, तिल्ली की बीमारी से मर गई थी। अब तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरा तो यहाँ कोई आसपास जाने वाला भी नहीं, तो मैं मित्र के साथ चला आया। मेरी माँ कहाँ, अमेरिका में मरी, तिल्ली की बीमारी से मरी, ये तो किसी ने बताया नहीं। बाबा ने कहा,
कि तिल्ली की बीमारी से मर गई थी ना। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और अपने बारे में सुन उसका मस्तिष्क चकरा रहा था, ये क्या हो रहा है, उसे आश्चर्य हो रहा था। रिचर्ड जो है वो नशे का आदी था और वो समझ रहा था कि नशे के कारण मैं कुछ भ्रमित तो नहीं हो गया हूं, इनको कैसे पता हो सकता है। उसका सिर फटने लगा और सिर जो ही फट रहा था तो उसे अपनी जो गाड़ी में उसने अपने रख रखा था एलएसडी, नशे की गोलियां होती है, एलएसडी की याद आई कि जब नशे का जो आदी होता है वो फिर जब इससे पसीना पसीना होने लगता है, कोई उसके मन की बात जान गया, वो पसीना पसीना हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और उसको उस बेचैनी में फिर नशा करना, उसके अलावा अब वो क्या रास्ता हो उसके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां मन आध्यात्मिक नहीं हो तो यही चीज बाहरी चीज ढूंढता है। तो उसे एलएसडी की याद आई, लत पड़ चुकी थी उसकी। फिर वो ये बात सोच रहा था कि बाबा से पूछूं कि मेरी आदत ठीक है नहीं है। बाबा ने कहा तू अपने मन में कुछ सोच रहा है, कुछ पूछना चाहता है, पूछ ले। उसने कहा नहीं नहीं महाराज कोई प्रश्न नहीं। अब घबरा गया कि ये पूछना चाह रहा हूं तो ये भी बता रही, नहीं महाराज कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। वो दवा कहाँ है तेरी जिसके बारे में पूछना चाहता है, अब तो उसके काटो तो खून नहीं। क्या वो क्या कहे क्या ना कहे, घबराहट उसकी बढ़ती जा रही थी। कहा गोली कार की डिबिया में पड़ी है, कहा जा ले आ। बाबा ने उससे पूछा कि जो अपनी भाषा में कि शक्तिवर्धक गोली है, यानी ये समाधि के लिए तू लेता है। पश्चिम में जो हरे कृष्ण हरे राम मूवमेंट चलाया 70 के दशक में, हिप्पी एक मूवमेंट चला तो कि आध्यात्म की प्राप्ति के लिए, मन को जीतने के लिए, तो एलएसडी गोली का प्रचलन बहुत बढ़ा। यानी जहां मस्तिष्क शून्य करने के लिए जो हमारे यहाँ ध्यान की विधियां हैं उसकी जगह नशा का, अमेरिका का पूरा हिप्पी आंदोलन एलएसडी गोलियों के भरोसे चला। इसलिए आध्यात्मिकता अमेरिका में वो नहीं उतर पाई, चाहे यहाँ से विवेकानंद जी गए हों, चाहे योगी गए हों, योगानंद गए हों, ओशो गए हों, रामकृष्ण, ये हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉन गए हों, जो सब भी गए हों, ये एलएसडी गोलियों का वो कुछ समय के लिए तो आपको अध्यात्म की उस ऊंचाई पर ले जाता है। जो मैंने पढ़ा है, मैंने नहीं खाया कभी। तो उसने कहा कि ला ये गोली मुझे दे। महाराज ने हथेली फैला दी, एलएसडी की एक गोली महाराज के हाथ पे उसने दिया, बोला एक और दे। एक गोली में 300 माइक्रोग्राम शुद्ध विशुद्ध एलएसडी था, एक और एक खुराक ही काफी होता है। रिचर्ड घबराया कि ये क्या कर रहे हैं बाबा। उसने कहा एक और दे, एक और रख दिया। बोले एक और देना, 900 ग्राम की भारी खुराक दे दिया, अगर कोई साधारण व्यक्ति खा ले तो मर जाएगा। 900 ग्राम के एलएसडी दी, महाराज जी ने तीनों गोलियां हाथ में ली, फांक ली और खा गए। रिचर्ड 1 घंटे बैठा रहा, जो 10 मिनट में असर करना शुरू करता है एक गोली पागल, 1 घंटे रहा बैठा और बाबा बड़े मस्त मौला ढंग से उससे बात करते रहे। अध्यात्म जिसने अध्यात्म का नशा, जिस पर भगवान की हनुमान की कृपा हो, जिसने साक्षात उस शक्ति को पिया हो, उसके पर नशे का गोली का क्या असर होगा। वो 1 घंटे बैठा रहा, कोई प्रभाव नहीं हुआ और रिचर्ड से बतियाते और हंसते रहे। अमेरिका पहुंचा, वो पसीने पसीने हो था, अमेरिका पहुंचा और उसने अपने दोस्तों से कहा। दोस्तों ने कहा ये संभव ही नहीं है कि 1 घंटे तक कोई बात करता रहे, हंसता रहे, 300 3 एलएसडी की गोलियां लेकर 900 माइक्रोग्राम की खुराक लेकर बैठा रहे, ये संभव नहीं है। और जब इसने कहा तो रिचर्ड के मन में संदेह पैदा हो गया, आंख से देखे हुए में भी संदेह। इसलिए आपसे कहा हूं आध्यात्मिक स्वाध्याय कीजिए, आपके मन में इतने लोग भ्रम डाल देंगे, इतना संदेह डाल देंगे कि आप कहोगे यही हिंदू लीडर हैं, यही हिंदू हैं, संस्था यही हिंदू हैं, और आप भ्रमित हो जाओगे। रिचर्ड भ्रमित हो गया, उसको लगा हो सकता है महाराज मुझे बातों बातों में चमत्कार क्या हो, और खाने की जगह पीछे फेंक दिया हो। रिचर्ड आंख से देखने के बाद उसे संदेह कि हो सकता है पीछे फेंक दिया हो उन्होंने वो नशे की गोली। फिर जो है 3 वर्ष बाद रिचर्ड फिर भारत आया,
भारत आया, बैठा कि महाराज जी ने पूछा, बाबा ने, एक बात बता, 3 साल पहले जब तू आया था तो तुमने मुझे वो जो गोली दी थी, कितनी गोली दी थी? दी थी ना गोली? तो उसने कहा, जी जी हाँ दी थी। क्या मैंने खाई थी? अब रिचर्ड के मन में तो संदेह है, इन्होंने खाई नहीं। और पूछ रहे हैं मन में, वहां अमेरिकन दोस्तों ने संदेह डाल दिया, यहां तो सामने खाया था। बोला जी खाई तो थी। फिर क्या हुआ? बोला जी आपको तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप बता। फिर उसने कहा कि वो औषधि तुम्हारे पास अभी भी है? उसने कहा हाँ हाँ है, जा तो फिर ले आ। वो गया गाड़ी से अपने और 300-300 माइक्रोग्राम की 5 गोलियां ले आया। और बाबा ने एक गोली ऐसे लिया, देखता जा देखता जा, और 5 गोली मुंह में ऐसे सामने रखा और बोल बोला ठंडा पानी पीऊं या गर्म पानी पीऊं? उन्होंने कहा कि चाहे जैसा भी पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा कि पानी ला, पानी पिए। बोले बता कितने देर में असर होगा इसका? बोले जी 20 मिनट से 1 घंटे में हो जाएगा। एक सेवक को महाराज जी ने बुलाया, बोल कि इधर आ, घड़ी देख। घड़ी लगा दिया गया और कहा कि घड़ी देखता जा कितना समय इसमें होता है। फिर पूछे रिचर्ड से, बता ये गोली जो 5 खाई है मैंने, क्या मेरे सिर पर चढ़ जाएगी? उसने कहा हो सकता है। सब बैठे रहे, बाबा ने अपना मुंह कंबल से ढक लिया। अब रिचर्ड कहते खून काटो तो खून नहीं, कहीं कुछ हो गया तो मैं ही मरूंगा अमेरिकन यहाँ पे। तो कुछ देर बाद उन्होंने अपना कंबल से मुंह हटाया, आंखें घूमी थी, मुंह खुला था, ऐसा लगा सबको कि पागल हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि देख क्या हुआ मुझे? रिचर्ड की आंखें खुली थी। बोला तुझे संदेह हुआ था ना अमेरिका में, उसके मन में जो संदेह हुआ था वो बाबा ने यहां नीम करोड़ी में बैठे बैठे पढ़ लिया था। तो आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके सामने बैठकर आपका मन पढ़ रहे हैं, तो यह पाखंड हो गया, यह अंधविश्वास हो गया। मुझे हवाई जहाज चलाने नहीं आता तो क्या हवाई जहाज नहीं चलता? मैं किसी भी तरीके से रॉकेट साइंस को नहीं समझ सकता तो क्या रॉकेट अंतरिक्ष में नहीं जाती? आध्यात्म भी उसी तरह की शक्ति है, जिसे समझ नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्म की शक्तियां नहीं है, आध्यात्म की अलौकिक शक्ति है। रिचर्ड को काटो तो खून नहीं। और उसने कहा महाराज जी मुझे आपकी शक्ति परखने में भूल हो गई। उसके बाद जो है 1 घंटा बीत गया, कोई नामो निशान नहीं। रिचर्ड उनके पैरों में गिर पड़ा। रिचर्ड की एक लंबी कथा है और रिचर्ड ने बाद में उस मंदिर बनाने की बात अमेरिका में की और यही रिचर्ड आके बाबा का भक्त बन के रामदास हो गया। तो रिचर्ड ने वो अनुभव नोट किए हैं बाबा के साथ रहकर कि कैसे कैसे बाबा के अनुभव थे, जिससे दुनिया को ये पता चला बाबा के बारे में। और ये अगर आप आज जो हिंदी में भी पुस्तक देखेंगे तो उसमें बड़ी भूमिका जो है रामदास का ही है। यह रामदास, रिचर्ड रामदास बाबा का सबसे बड़ा भक्त बना और उसने पूरी पश्चिमी दुनिया को बाबा की यह शक्ति बताई। रिचर्ड की लिखी इस पुस्तक को पढ़कर ही स्टीव जॉब्स को पता चला, जिससे वो एप्पल खड़ा कर सका। और उस स्टीव जॉब्स को से जानकर ही उस जुकर वर्ग को पता चला तो फेसबुक खड़ा हो सका। ये क्योंकि प्रसिद्धि आपको बतानी आवश्यक है, क्योंकि बिना भौतिक प्रसिद्धि देखे लोग आध्यात्मिकता को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया भौतिकवाद में जी रहा है, ये युग भौतिकवाद का है। इसलिए यदि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं तो आपको भरोसा होना चाहिए। जो आप में नहीं है वो संसार में नहीं है, ये तो नहीं होता। मैंने कभी पानी के जहाज पे कभी यात्रा नहीं की, इसका मतलब पानी का जहाज नहीं होता, ये तो मेरी मूढ़ता होगी। अध्यात्म है, शक्ति है और हनुमान जी साक्षात है।
इनको अभी ब्रिटेन की संसद में बुलाया था, मुझे यही थोड़ा डर लगता है। नीम करोली बाबा इसलिए बच गए क्योंकि वो पश्चिम में गए नहीं कभी। लेकिन शक्तियां हैं, ये शक्तियां आपको वर्तमान समय में नीम करोली बाबा के साथ गोपीनाथ कविराज बड़े तांत्रिक हुए, उनकी एक पर एक लिखी पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकें भी आपको पढ़नी चाहिए। मैं कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए कपोत पर मंगवाता हूं। उन्होंने सिद्ध भूमि ज्ञानगंज पर लिखा है, और ज्ञानगंज पे मैंने और भी कई पुस्तकें पढ़ी है। अभी अभी कुछ समय पहले ज्ञानगंज होके आए हैं शंकर स्वामी जी, उन्होंने भी अपने अनुभव लिखे हैं। तिब्बत की वह अज्ञात गुप्त मठ जो है, तिब्बत वो रहस्यमय भूमि, यानी वो हमारे हिमालय की जो संसार का जो छत है। और गोपीनाथ कविराज लिखते हैं कि आधुनिक समय काल के संतों में महात्मा तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, तिहितलाल मिश्र, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहरी, महावतारी बाबा, कुलानंद हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी आध्यात्मिक साधना में रत हैं। उनकी आयु हजारों साल हो चुकी होगी। और वो कह रहे हैं कि दत्तात्रेय, अगस्त, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि वर्ग अपने अपने सिद्ध आश्रम स्थापित करके ज्ञान विज्ञान की साधना खोज प्रचार में आज भी रत है ज्ञानगंज में, उस अदृश्य लोक में जिसको चीन सांग्रीला कहता है। यह अदृश्य शक्तियों का ही आपको बता रहा हूं, इससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपको अदृश्य शक्तियों के बारे में बता रहा हूं। और तिब्बत में के क्षेत्र में वो रहस्यमय क्षेत्र है, और कविराज ने लिखा है कि ऐसे मठ और आश्रम है जिसके बारे में सभ्य जगत को कोई जानकारी नहीं है। ये उनकी आंखों से ओझल है। और उन्होंने घटना का वर्णन किया है, अप्रैल 1949 में, यानी 1959 अप्रैल महीने में, दलाई लामा जब तिब्बत से पलायन कर भारत आ रहे थे, उन दिनों कविराज जी इस पर चर्चा करते थे, एक घटना का उन्होंने जिक्र किया था। वो घटना कुछ इस तरह थी। द्वितीय महायुद्ध के समय दो जर्मन पर्यटक गिरफ्तारी के भय से, क्योंकि जब हार गया, जर्मनी हार गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, और जर्मनी के सैनिकों को बंदी बनाया जा रहा था, 20 लाख 20 लाख जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए लगातार, रूस के सैनिकों ने किए, पूरी दुनिया ने किए, एक ब्रिटेन के सैनिक ने नहीं किए, एक भारत के सैनिक ने नहीं किए, भारत जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, पूरी दुनिया जर्मनी के स्त्रियों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। एक गलत फैसला हिटलर को चुनने का जर्मनी ने कैसे भुगता, यह भी एक बड़ी विडंबना है। और उसका परिणाम अमेरिका और उसका परिणाम रशिया ने भी भुगता, इससे कौन मना कर सकता है। तो जर्मनी के जो सैनिक गिरफ्तारी के डर से नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर भागे, वहां वे एक ऐसे मठ में थे जहां सभ्य जगत की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। भाग गए, वहां उन्हें एक ऐसा मठ मिला जहां दुनिया की सारी सभ्य जगत की, यानी सारी भौतिक सुविधाएं उस मठ में उपलब्ध थी। युद्ध समाप्त होने के काफी दिनों बाद वे पैदल भारत की ओर रवाना हुए, नेपाल से भारत की ओर चले, मार्ग भूल गए, और भूलते भूलते वो बर्मा में जा पहुंचे जो आज का म्यांमार है। इनकी राम कहानी सुनकर लोग चकित रह गए कि हिमालय जैसे क्षेत्र में विज्ञान ने इतनी उन्नति की कि वहां एक ऐसा मठ है जहां दुनिया की सारी चीजें वहां उपलब्ध थी। उन्होंने ये दुनिया को बताया कि ऐसे चमत्कारी मठ मैंने देखे जो दुनिया में, आज आपके पास टीवी नहीं, वहां टीवी है, आपके आप फ्रिज है, वहां हर सुविधा वहां उपलब्ध थी। जब दोनों पर्यटकों ने यह कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ चलें तो मैं वहां ले जाकर आपको दिखा सकता हूं, दुनिया विश्वास नहीं कर रहा था, तो कई लोग राजी हुए, चलो दिखाओ, ये कैसे संभव है हिमालय में वहां ये सब चीजें मिल जाएगी। और 59 की बात, दोनों जर्मन पर्यटक ठीक उसी स्थान पे आए जहां वे वर्षों रहे थे।
लेकिन वहां उन्हें आश्चर्य हुआ, अब वहां कोई मठ नहीं था। वही पर्वत शिखर, वही वृक्ष समूह जहां वो बैठकर घंटों बातें करते थे, वही झरना जहां वे स्नान करते थे, वह विशाल मठ, वहां कुछ नहीं था। ना वो झरना था, ना वो पर्वत शिखर था, ना वो वृक्ष था, ना वो मठ था। काफी दिनों के बाद ये घटना एक पत्रिका में छपी। कर्नल अलकट के साथ भी इसी तरह की घटना बंबई में हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने ओल्ड डायरी लेवेस में किया है। विदेशियों के नाम बताना जरूरी है, आप जानते हैं, बिना सर्टिफिकेशन भारत के लोग अपने ही साधु संतों पर विश्वास नहीं करते। नेता पे तो कर लेंगे, पर अपने आध्यात्मिक साधु संतों पे कितने किंतु परंतु करेंगे। इसलिए शायद भारत के लोगों में आध्यात्मिकता उस हद तक नहीं उतर पाती। कोई पश्चिम आता है, पश्चिम वाला, और वहां वो इतना बड़ा रामदास जैसा शिष्य बन जाता है, और भारत के लोग नहीं बन पाते, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे किंतु परंतु इस धरती पर होकर भी मौजूद रहते हैं। कर्नल आलकट थियोसॉफिस्ट संस्था की संस्थापिका मैडम ब्लास्टकी के साथ एक फिटन पर घूमने निकले थे। अचानक एक स्थान पर मैडम ब्लास्टकी ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। कर्नल से उन्होंने कहा, आप गाड़ी पर इंतजार करें, मैं मठ से तुरंत आ रही हूं। आलकट ने देखा सामने एक बड़ा मठ है। मादाम ब्लास्टकी मठ के फाटक के रास्ते से भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद मालाएं लेकर बाहर निकली। एक माला उन्होंने कर्नल को दी। दूसरे दिन आलकट घूमने के लिए अकेले निकल पड़े। कुछ दूर आने के बाद उन्होंने देखा कल का फिटन वाला कोचवान चला आ रहा है। उसने आलकन से कहा, कल हमें जहां ले गए थे वहां ले जा सकते हो? गाड़ीवान को कहा, बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगा। गाड़ीवान राजी हो गया। निश्चित स्थान पर जाकर आलकट ने देखा वहां मठ नहीं था। ये पुस्तक ओल्ड डायरी लेविस में दर्ज है। वो मठ वहां नहीं था, वो अकेले गए थे, मठ नहीं मिला। सामने एक बाग था, दो माली घास खोद रहे थे। पास जाकर उन्होंने प्रश्न किया, भाषा मालियों के समझ में नहीं आया अंग्रेजी। वापस लौट कर उन्होंने गाड़ीवान से पूछा, क्या कल तुम मुझे यहीं लेकर आए थे? आखिर वह मठ कहाँ गायब हो गया? गाड़ीवान ने कहा, यह मठ कहाँ था? मैंने तो नहीं देखे कभी इतने दिनों में, मैंने तो मठ नहीं देखे। वो गाड़ीवान जो कल लेकर आया था वो भी उस मठ को नहीं देख सकता। वो अदृश्य आत्माएं जिनके अंदर आध्यात्मिक वो बीज पड़ा हो वही देख सकता है। और मैडम ब्लास्की ने उसे देखा, और चूंकि मैडम के साथ ये कर्नल गए थे तो ये भी देख पा रहे थे। वापस लौटकर गाड़ीवान से पूछा, कहा, यहाँ मठ कहाँ था? मैं अक्सर गाड़ी लेकर आता हूं, सामने के बाग के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको भ्रम हो गया है महाराज, घोड़े साहब, आपको भ्रम हो गया है। अब वो क्या कहे? ऐसी ही एक घटना केदार नामक एक अद्भुत बालक ने कविराज गोपी नाथ कविराज को सुनाई थी। एक दिन शाम से पहले एक दिव्य पुरुष केदार के निकट आए और कहा, कल अपराह्न 4 बजे मेरे पास आकर भेंट करना इस जगह पर। आगंतुक एक महापुरुष का संदेश वाहक था। मार्ग के बारे में पूछने पर आगंतुक ने कहा, चौक के रास्ते तुम विश्वेश्वरगंज तक चले आना। काशी जिसका विध्वंस किया गया वहां के बारे में, वहां के तंत्र साधना पे सुनिए। चौक के रास्ते तुम विश्वेश्वरगंज तक चले आना, आगे का रास्ता वहां से मालूम हो जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन केदार 4 बजे एक साइकिल लेकर रवाना हुआ। साथ में और कोई नहीं था। विशेश्वरगंज तक रास्ता पकड़कर आया। यहां आने पर उसने देखा सामने एक बड़ा मैदान है, जिनको ये लोग कहते, छोटी गलियां थी, संगरी गलियां थी, उसको चौड़ा कर दिया। काशी तंत्र साधना की भूमि है। जो ललिता घाट, जो कभी तंत्र साधना की बड़ी भूमि थी, आज वो ललिता घाट धस गया है, नष्ट हो गया है, पूरे आध्यात्मिक ऑरा को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। तो सामने एक बड़ा विशाल मैदान है, उस मैदान को उसने कभी नहीं देखा। विशेश्वरगंज में चारों तरफ तो काशी में सकड़ी गलियां, तो मैदान कहां से दिखे? पर उस लड़के को वहां मैदान दिख रहा था। किंतु इस वक्त उसके मन में यह बात उत्पन्न हुई, उसने देखा विशेश्वरगंज से एक रास्ता मैदान की ओर बीचों बीच गया। रास्ते के दोनों ओर जाते हुए खेत और विविध प्रकार के दृश्य सुशोभित थे। अब विशेश्वरगंज बनारस में छोटी गलियों में आपको खेत और दृश्य तो नहीं दिखेगा, पर यह तंत्र साधन
हमारी तांत्रिक भूमि, वो शिव की भूमि है, शुभ तंत्र के सब उन्हीं से तंत्र आरंभ होता है। बनारस सोचता हूं, फिर रो पड़ता हूं। मैदान के बीच में एक विशाल पत्थर था, उस पत्थर पर एक महापुरुष बैठे थे। केदार उनके दर्शन से समझ गया कि इन्होंने ही बुलाया है, इन्हीं के निकट मुझे जाना है। साइकिल से उतरकर वह पैदल यथासंभव स्थान पहुंचा। जूता साइकिल पर रखने के बाद उक्त महापुरुष के पास पहुंचा। कुछ देर तक गोपनीय बात करने के बाद महापुरुष ने कहा, केदार अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ चिंतित हो रही है। इतना कहकर उन्होंने सामने की ओर हाथ बढ़ा दिया, साथ ही साथ दूरत्व दूर हो गया। केदार ने स्पष्ट रूप से अपना घर, माँ, बहन को देखा। वहीं से दरवाजा खोल दिया, आप जो डोरीमान में देखते हो। दरवाजा लगाया और इस पार पहुंच गया। उन्होंने ऐसे किया, अपनी माँ बहन को केदार ने वहीं देख लिया। साथ ही साथ जो है माँ बहन को देखा, उसकी बातचीत सुनी। केदार ने पूछा, इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? महापुरुष ने कहा, इस वक्त हम ऐसे स्थान पर हैं जहां से विश्व का प्रत्येक स्थान अत्यंत सन्निकट दिखाई देता है। और उन्होंने हाथ हिलाया और सारा दृश्य गायब हो गया। इस तंत्र भूमि के विध्वंस पर अगर मुझे पीड़ा नहीं होगी तो किसे होगी? हर उस व्यक्ति को पीड़ा होगी जो भारत की आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़े हुए, जो तीर्थ समझता है। पर्यटन के लिए तो स्विट्जरलैंड भी हम जाकर घूम लेंगे, तीर्थ के लिए तो भारत ही बचा है, पर अब वो भी ध्वंस हो रहा है। केदार ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उसके साथ साइकिल उठाकर पहले वाले रास्ते पर चलने लगा। उसे विश्वास था कि इस मैदान को पार करते ही वह विश्वेश्वरगंज पहुंच जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रास्ता समाप्त होने के साथ ही उसने देखा कि वह इलाहाबाद रोड पर खड़ा है। वहां विश्वेश्वरगंज भी नहीं था, इलाहाबाद रोड पर खड़ा है। पास ही संत कबीर का जन्म स्थान लहरतारा है और मठ है। विश्वेश्वरगंज से यह स्थान 3 मील दूर है। यह कैसे हुआ? गया तो वो विश्वेश्वरगंज में था, निकल 3 मील दूर लहरतारा पर कैसे आया? वह समझ ना सका। वो गया था पूरब की ओर और लौट गया पश्चिम की ओर। उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस घटना का वर्णन कविराज ने केदार ने कविराज से दूसरे ही दिन किया था। इसके बाद केदार कई बार उक्त महापुरुष से मिला। मिलने का स्थान वही था, पर लौटने का स्थान भिन्न भिन्न, ताकि लौटने के स्थान भिन्न भिन्न आपको एहसास हो कि आप किनसे मिलकर आ रहे हो। कविराज लिखते हैं, बड़े तांत्रिक हुए हैं कविराज, गोपीनाथ कविराज। उनकी सारी पुस्तकें आपको कपोत पर है, पढ़िए। स्वाध्याय से मार्कंडेय ऋषि हो सकते हो, पढ़िए। सिद्ध भूमि की यही विशेषता है कि वह सदा और सर्वत्र ही अपने रूप में स्थित रहती है। वह जागतिक विचार से लौकिक प्रतीत होने पर भी वास्तव में अत्यंत अलौकिक है। वह अखंड और अविभाज्य है, उसके अंश नहीं होते एवं सिद्ध पुरुष की इच्छा अनुसार अंश रूप में प्रतीत होने पर भी वह समग्र अखंड ही रहती है। यदि उस भूमि के अधिष्ठाता पुरुष किसी को आकृष्ट करने की इच्छा करें अथवा दर्शन देने के लिए उत्सुक हों, तो अलौकिक जगत में जिस किसी स्थान से वह प्राप्त हो जाती है, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी नहीं, जबकि एक साथ ही स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस भारत भूमि में, ज्ञानगंज में, जो है वो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। ज्ञानगंज में विशुद्धानंद जी लगभग 20 वर्ष तक योग और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करते रहे। महर्षि महातपा ने उन्हें शिष्य बनाकर शक्ति का संचार किया। परमहंस श्यामानंद सूर्य विज्ञान और परमहंस भृगुराम योग की शिक्षा देते रहे। सूर्य विज्ञान वही, आज वो भूमि नहीं होती तो ये मल्लेच्छ जो 25-30 साल में पूरी दुनिया को रौंद दिए, भारत को जीत चुके होते 1000 साल। लेकिन वो रहा, महर्षि ऋषि केदार को किसी किदार को बुलाते हैं, आपको क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि आपका मन अध्यात्म में नहीं, राजनीति अन्य चीजों में रमा है। जो जहां पर रिक्त स्थान होगा वहीं तो वो उतरेगा। आपने अपने मन को इतने सारे कलुषित विचारों से भर दिया है कि वो उतरेगा कहां? उसके लिए तो आपने जगह भी नहीं छोड़ी। इसलिए भारत को लोग ऐसे नहीं समझ सकता। ज्ञानगंज नामक स्थान स्थूल रूप से तिब्बत के किसी विशेष स्थान पर है, जहां साधारण व्यक्ति की पहुंच नहीं है। केवल योगेश्वर संपन्न योगी या उच्च कोटि के साधक ही वहां जा सकते हैं। कहा जाता है कि
कि ज्ञानगंज हमारी इस परिचित पृथ्वी पर एक विशेष गुप्त स्थान है, किंतु वह इतना गुप्त है कि विशिष्ट शक्ति के विकास न होने से तथा उस स्थान के अधिष्ठाता की आज्ञा न होने पर मर्त्य लोग का कोई जीव वहां नहीं जा सकता। परमार्थिक ज्ञानगंज का पता जानना सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ लोगों को ज्ञानगंज का पता चल गया है ऐसा सुनने में आता है, वह व्यवहारिक ज्ञानगंज से संश्लिष्ट ही समझना चाहिए। और ये एक लंबी कथा है। तो उन्होंने जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, अगर वो कह रहे हैं तो आपको अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शत्रुता हो तो करिए, हनुमान जी से तो मत करिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बागेश्वर बालाजी वो हनुमान जी है, वो हनुमान जी का अधिष्ठान है, व्यक्ति का नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं शिष्य हूँ। आपको जो भी बैरा रखना है, जिसको भी मन में हो उसके प्रति रखिए। व्यक्ति ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वो स्थान नहीं हो सकता। तो बालेश्वर बालाजी वो हनुमान जी की भूमि है और इस कलयुग में हनुमान जी बार बार दर्शन देते रहे हैं। दो तीन कथा आपको अभी सुना दी मैंने, तुलसीदास जी की, नीम करौली बाबा की, और अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और कैसे हिमालय में आपकी छठी इंद्रियां जागृत होती है उस पर भी एक पुस्तक आपको कपोत पे मिलेगा। तो मेरा मानना है कि हम जो नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो है, बस हमारी पात्रता नहीं है कि हम उसको ग्रहण कर सकें। इसलिए और यदि धर्म नहीं समझ में आता, राष्ट्र ही समझ में आता है केवल, तो राष्ट्र के नाते ही जब कोई पोप और मौलवी से टकरा रहा हो तो आप उससे सपोर्ट नहीं कर सकते, तो चुप रह जाइए। मीडिया अभी वो जितना तान रही है, कल को मीडिया उन पर उतना ही लांछन लगाएगी। ये भारत के लक्ष्मणानंद से लेकर, ओशो से लेकर, आसाराम बापू से लेकर, नित्यानंद स्वामी से लेकर, ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते हो, चुप तो रह सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।